टेक मज में मैं स्वप्निल बड़ा का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग वापस है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो है बिग बिलियन सेल्स में हम लोग को कौन सा मोबाइल सबसे ज्यादा अच्छा या सस्ता मिलेगा। तो हम लोग आज इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, इसलिए आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर हम लोग बात करें अभी न्यू फोन्स की, हम लोग बात करने वाले मिड रेंज सेक्शन की, मतलब 10 to 20K के आसपास जो फोन्स रहते हैं उसके बारे में। तो मिड रेंज सेक्शन में रियलमी एक्सटी एक न्यू फोन आ चुका है मार्केट में, उसकी प्राइस अराउंड 16,000 है। जो उसका बेस वेरिएंट है 4GB ऑफ रैम प्लस 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस अराउंड 16,000 है। एंड एज पर द वेरियंट उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें रियलमी के ओल्ड फोन्स की, मतलब इतना भी ओल्ड नहीं है, अभी रिसेंटली मार्केट में आया, वो है रियलमी 5 प्रो। तो रियलमी 5 प्रो में हम लोग को एक बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है। उसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 15,000 थी, मतलब 14,999, अभी उसकी प्राइस रिड्यूस होकर 12,999, मतलब 13,000 हो चुकी है, मतलब हम लोग को 2,000 का डिस्काउंट मिल चुका है। उसका जो बेस वेरिएंट है 4 प्लस 64 GB, उसकी प्राइस अराउंड 13,000 है। तो ये बिग बिलियन डेज का सबसे बड़ा ऑफर है आज के लिए। और अगर हम लोग बात करें दूसरे फोन की, जो है वीवो Z1X, तो ये भी एक कमाल का फोन है वीवो की तरफ से। वो ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, देन उसका फ्रंट कैमरा, एंड ये स्पेशली पबजी गेम प्ले और जो कैमरा यूजर्स है उनके लिए बहुत ही अच्छा फोन है। इन तीनों फोन्स में हम लोग को सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद फुल HD प्लस रेजोल्यूशन। जो अभी नए मार्केट में ट्रेंड चले वो सारे फीचर्स हम लोग को इन तीनों फोन्स में मिलते हैं। इसमें हम लोग को इनबॉक्स फास्ट चार्जर भी देखने को मिलता है। वीवो Z1X में हम लोग को 22.5W का इनबॉक्स फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। रियलमी XT में हम लोग को 18W एंड रियलमी 5 प्रो में भी हम लोग को इनबॉक्स 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। रियलमी के जो फोन्स है वो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आते हैं। Realme 5 Pro में हम लोग को 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा और Realme XT में हम लोग को 64MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। तो ये दो फोन्स में इतना ही डिफरेंस है, बाकी थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट्स हम लोग को Realme XT में देखने को मिलते हैं, इसलिए उसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है। और अगर हम लोग बात करें अदर फोन्स की, तो रियलमी एक्स की प्राइस अराउंड 18,000 थी, तो उसकी प्राइस रिड्यूस होकर 16,000 हो चुकी है। एंड देन हम लोग को सैमसंग गैलेक्सी A50 में भी बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है, उसकी प्राइस अराउंड पहले 21,000 की, जो उसका बेस वेरिएंट था 4GB ऑफ रैम प्लस 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस अभी डिक्रीज होकर 17,000 हो गई है। जो उसका जो मेन हाईलाइट था वो उसमें हम लोग को 25MP का रियर कैमरा मिलता है एंड 25MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। एंड हम लोग बात करें प्रीमियम फोन्स की, तो रेडमी K20 प्रो की प्राइस रेंज भी अभी थोड़ी सी डिक्रीज हो चुकी है। उसकी जो प्राइस स्टार्ट होती थी वो अराउंड 29,000 से स्टार्ट होती थी, तभी उसकी प्राइस डिक्रीज होकर 25,000 से स्टार्ट होती है। और हम लोग को Redmi K20 में भी थोड़ा सा डिस्काउंट मिल रहा है, उसकी प्राइस अराउंड 23,000 से स्टार्ट होती थी। Redmi K20 नॉट Redmi K20 Pro। तो Redmi K20 का जो बेस वेरिएंट है 6GB ऑफ रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है अभी 20,000 से, मतलब 19,999 से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। Redmi K20 में हम लोग को 48+13+8MP का रियर कैमरा एंड 20MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड एक हम लोग को बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो ओप्पो F11 Pro है उसकी प्राइस अराउंड पहले स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा हाई थी, मतलब 28K के आसपास थी, तो अभी वो डिक्रीज होकर 15,000 हो चुकी है, मतलब 14,999। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इसके जो मेन हाईलाइट है उसका 16MP का पॉपअप सेल्फी कैमरा एंड डुअल कैमरा विथ 48+5MP। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एंड अगर हम लोग बात करें प्रीमियम फोन्स की, तो सैमसंग गैलेक्सी S9 है, उसकी प्राइसिंग अराउंड पहले स्टार्टिंग में 60,000 थी, तो अभी वो डिक्रीज होकर आधा हो गई है, मतलब 50% डिस्काउंट दे रहे वो लोग, 30,000 हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें सैमसंग गैलेक्सी S9 Plus की, तो उसकी प्राइस स्टार्ट होती थी, उसका जो बेस वेरिएंट है उसकी प्राइस स्टार्ट होती थी 70,000 से 70, एंड देन अभी वो डिक्रीज होकर 34,000 हो चुकी है। और अगर हम लोग बात करें पिक्सल फोन की, तो पिक्सल 3A फोन्स की जो प्राइस थी वो स्टार्टिंग में 40,000 थी, अभी वो डिक्रीज होकर 30,000 हो चुकी है, मतलब इसमें हम लोग को इतना डिस्काउंट नहीं मिल रहा। अगर हम लोग बात करें पिक्सल 3 और 3XL की, तो इसकी प्राइस अराउंड स्टार्ट होती थी 71,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 43,000 हो चुकी है। एंड हम लोग को वीवो V15 में भी डिस्काउंट देखने को मिलता है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती थी 27,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 16,000 हो चुकी है। तो बिग बिलियन डेज पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है इन फोन्स में। और जो Honor 10 लाइट है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 14,000 से, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज होगी, उसकी प्राइस अभी स्टार्ट होती है 8,000 से। उसका जो मेन हाईलाइट है वो 24MP का सेल्फी कैमरा है, देन 6.2 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। एंड Xiaomi की तरफ से सबसे बड़ा जो फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन था, जो जिसने लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा टहलका मचा हुआ था,
तो उसका जो बेस रेंट है उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 15,000 से। ये बहुत ही इंप्रेसिव बात है। 6GB प्लस 64GB उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 15,000 से। 6 प्लस 128GB उसकी प्राइस स्टार्ट होती है अराउंड 16,000 से। एंड 8 प्लस 256GB उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 19,000 से। उसका जो मेन हाईलाइट था वो स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर था। देन उसमें हमको 12 प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है विद IR फेस अनलॉक। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव फीचर्स मिलते थे। इसमें हमको लिक्विड कूलिंग भी मिलता था। तो ये ट्रूली गेमिंग फोन था। तो हम लोग को 15,000 के नीचे हम लोग को स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर मिलता है, जो भी बहुत ही अच्छी डील है, हम लोग को बिग बिलियन डेज में मिल रही है। और अगर हम लोग बात करें ओप्पो रेनो 1 की, मतलब जो उसका 10x जूम वाला है मॉडल, उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 41,000 से, लेकिन वो अभी डिक्रीज होकर 33,000 हो चुकी है। अगर हम लोग बात करें ओप्पो रेनो 2Z की, तो उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 33,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 30,000 हो चुकी है। तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट अभी इस बिग बिलियन डेज में मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा दो गेमिंग फोन ट्रेंडिंग में है, ब्लैक शार्क 2 और नेबुला रेड मैजिक 3। तो ब्लैक शार्क 2 की प्राइस स्टार्ट होती थी अराउंड 46,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 30,000 हो चुकी है। उसमें जो हम लोग को स्नैपड्रैगन 855 इलाइट प्रोसेसर मिलता है, जो है गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये गेमिंग का 2 फोन है, क्योंकि हम लोग को इसमें इतने सारे ऑप्टिमाइजेशन मिलते हैं गेमिंग में। इसके कैमरा फीचर्स भी अच्छे हैं और इसकी बैटरी लाइफ तो बहुत ही कमाल की है। अगर हम लोग बात करें नेबुला रेड मैजिक 3 की, तो उसका जो बेस वेरिएंट है 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, तो उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 39,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 33,000 हो चुकी है। इसका जो मेन हाईलाइट है उसकी में हम लोग को 6.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलता था विद कूलिंग फैन। तो हम लोग को कभी भी गेमिंग में डिक्रीज इन फ्रेम रेट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ट्रूली गेमिंग फोन है। दोनों फोन्स बहुत ही अच्छे हैं अपने अपने प्राइस टैग में। अगर हम लोग बात करें और एक स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर वाले फोन की, तो एसुस 6Z, तो उसकी प्राइस अराउंड स्टार्ट हो रही थी 36,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 28,000 हो चुकी है। और हम लोग को हॉनर 20 में भी बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलता है, जो एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आता है, किरिन का फ्लैगशिप प्रोसेसर, तो उसकी प्राइस स्टार्ट होती थी 36,000 से, तो अभी वो डिक्रीज होकर 25,000 हो चुके हैं। इसका जो मेन हाईलाइट है वो 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है। एंड इसमें हम लोग को 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा विद पंच होल टाइप डिज़ाइन। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़ोन है। और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा फ़ोन परचेस करने वाले, क्या वो गेमिंग फ़ोन है, कैमरा फ़ोन है, या बैटरी फ़ोन है, मतलब उसमें बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये बिग बिलियन डेज है, उसकी सेल चालू हो रही है 29 सितंबर टू 4 अक्टूबर। तो आप जल्दी से जाइए और अपना फेवरेट मोबाइल को बुक कीजिए एट लोअर प्राइस। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं ऐसे न्यू फोन्स और ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज और सजेशन है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।